राष्ट्रिय राजमार्ग 10 अन्तर्गत सेल्फी डाँडामा सडक टिस्टाले तानेपछि राष्ट्रिय राजमार्ग पूर्णतया विच्छिन्न बन्न पुगेको थियो भने जसको मरम्मती कार्य अहिले धम्माधम भइरहेछ। कालेबुङका डीएम बाला सुब्रमण्यन टीले दिएको जानकारी अनुसार केही प्रतिबन्धहरूका साथ राष्ट्रिय राजमार्ग 10 साना वाहनहरूका लागि छिट्टै खोलिनेछ। यसको आधिकारिक सूचना आज बुधबार बेलुका नभए भोलि बिहिबारसम्ममा जारी गरिनेछ। उल्लेखनीय छ, जुन महिनाको अन्तदेखि नै एनएच 10 बन्द छ। लगभग 24 दिनदेखि राष्ट्रिय राजमार्ग 10 बन्द रहेपछि सिक्किम र कालेबुङलाई ठूलो मर्का परेको छ। सिक्किम र कालेबुङको जीवनरेखा मानिने यो राजमार्ग बन्द हुँदा यहाँका मानिसहरूको जनजीवन पूर्णतया प्रभावित बन्न पुगेको छ। आरटीओ डिजास्टर मैनेजमेंट सेक्शन और पुलिस गए थे, जाके देख रहे थे, बट अभी भी कुछ चीज़ वल्नरेबल स्पॉट्स है। अभी भी सेल्फी दारा और ब्रिज दारा में जगह बहुत कम है, कुछ डेंजर्स भी है, बट उन लोग जितना भी रिपेयर किया उसी को लेके हम लोग सोच रहे हैं कि एक एटलीस्ट सिंगल लेन में छोटो गाड़ी हम लोग छोड़ सकते हैं। बट उसी का एक ऑफिशियल कन्फर्मेशन आज, बिकॉज MORTH से कुछ टीम आया PWD के साथ आज विजिट में जा रहा है, उसके बाद उन लोग ऑफिशियल कम्युनिकेशन दे रहे हैं। हम लोग डेफिनेटली मोस्ट प्रॉब्ली आज के इवनिंग व कल हम लोग एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन दे सकते हैं। प्रॉब्ली द सिचुएशन इज छोटो गाड़ी सिंगल लेन में दे सकता है, दैट इज द प्रेजेंट असेसमेंट। उसको लेके हम लोग ऑफिशियल कम्युनिकेशन हम लोग देंगे, क्या रेस्ट्रिक्शन होगा, टाइमिंग में रेस्ट्रिक्शन होगा क्या, इसी तरह से थोड़ा टेक्निकली हम लोग का ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आना चाहिए PWD से। तो उन लोग अभी एक फील्ड विजिट में, उन लोग आने के बाद हम लोग का ऑफिशियल रिपोर्ट देने में आरटीओ और पुलिस को कंसल्ट करते हैं हम लोग, एक ऑर्डर ऑफिशियल ऑर्डर निकालेंगे। और जितना जल्दी मैक्सिमम रिपेयर वर्क कर सकते हैं, गवर्नमेंट प्लान कर रहा है, PWD उसी का प्रोजेक्ट्स लेके जा रहा है, बट बारिश की वजह से बहुत सारा जगह में हम लोग का काम स्लो हो रहा है। इसके अलावा भी NH10 में बहुत सारा मल्ली एरिया उसी टूवर्ड्स रंगपो में कुछ जगह में कुछ रोड्स में क्रैक भी दिख रहा है, सो हम लोग केयरफुली उसको देख रहे हैं। So whatever preventive action has to be taken has been taken, and administration is closely following up with the PWD for the safety of people using the NH10.